तो गाइस पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर टूल वेबसाइट की, और उस वीडियो के अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप लोग जानना चाहते हो किस तरीके से हम टूल्स वेबसाइट की एसईओ कर सकते हैं और किस तरीके से वो रैंक होती हैं एक्चुअल में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वही सेम डिटेल शेयर करने वाला हूं किस तरीके से मैं अपनी टूल्स वेबसाइट की एसईओ करता हूं और कौन सा बेस्ट वे है जहां से आप विद इन 3 स्टेप्स अपनी टूल वेबसाइट को एसईओ कर पाओगे बहुत ही अच्छे लेवल पर और आपकी साइट बहुत जल्दी गूगल की टॉप पोजीशंस पर भी रैंक करेगी। तो अगर आप इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेब बीज। तो गाइस टूल वेबसाइट बनाने का मेन बेनिफिट यही है कि आप वो टूल वेबसाइट बनाते हो और फिर आपको उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, आपका जो काम है वो बहुत जल्दी स्केल होने लग जाता है क्योंकि आपको वहां पर टाइम इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ती है। यही चीज मैंने अपने केस के अंदर देखी है जहां पर मैं पहले आर्टिकल बेस्ड ब्लॉग्स को ही बनाता था। आज के टाइम पे मैं प्रेफर करता हूं कि मैं माइक्रो निच ब्लॉग्स और टूल्स वेबसाइट ही बनाऊं क्योंकि यहां पर आपको एक बार काम करना पड़ता है और फिर बाद में थोड़ी बहुत अपडेशन करनी पड़ती है, रेगुलरली एनालिटिक्स को चेक करना पड़ता है और बाकी ज्यादा काम नहीं देखना पड़ता है। इसी रीजन की वजह से मैंने भी आपको रेकमेंड करा था कि आप भी टूल्स वेबसाइट को बनाओ और पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ शेयर किया था कैसे आप पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर टूल वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, डेफिनेटली आप उसे चेकआउट कर सकते हो। वहां पर मैंने आपके साथ फ्री में स्क्रिप्ट भी शेयर करी है, उसी के साथ साथ बाकी स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करी ताकि आप अपनी साइट को जल्दी से रैंक करवा सको। उस वीडियो के अंदर आपने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि मैं आपको शेयर करूंगा किस तरीके से मैं अपनी टूल वेबसाइट की एसईओ करता हूं और कौन सा वो 3 स्टेप मेथड है जिसकी वजह से मैं अपनी हर एक साइट को बहुत इजिली एसईओ कर पाता हूं और वही सेम स्ट्रेटजी मैं अपनी हर एक टूल वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट भी करता हूं। वो स्ट्रेटजी अगर आप जान लोगे तो आपको फ्यूचर में किसी भी टूल वेबसाइट की एसईओ करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करूं, उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे यार 2000 लाइक्स, तो जल्दी से उस लाइक का बटन भी दबा देना और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो गाइस टूल वेबसाइट में जो है हम आर्टिकल्स को नहीं पोस्ट कर पाते क्योंकि मेन हाईलाइट एक टूल वेबसाइट के अंदर टूल ही होता है, तो इसी रीजन की वजह से उसमें जो नॉर्मल बिगिनर्स रहते हैं उनको ज्यादा आइडिया नहीं रहता है कि यार किस तरीके से हम यहां पर एसईओ कर सकें। तो जो सबसे पहला मेथड रहता है एसईओ करने का, दैट इज इन टूल टेक्स्ट। अब यहां पर क्या होता है, कोई भी आप अगर टूल बनाते हो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट जरूर से देना पड़ता है। मैंने भी जो पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर टूल वेबसाइट आपके लिए बनाई थी उसमें भी हमने कुछ इन टूल टेक्स्ट दिया था। उस टेक्स्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि आप अपने यूजर्स को एक इंटीमेट करते हो कि यार इस टूल को यूज किस तरीके से करना है, ये टूल मैंने बनाया किस पर्पज के लिए, और उसी के साथ साथ हम गूगल के भी कुछ कीवर्ड्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और वही सेम चीज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात करी थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाए, डेफिनेटली आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो, आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन जो इन टूल टेक्स्ट रहता है उसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है कि वहां पर आप ज्यादा टेक्स्ट नहीं दे सकते क्योंकि मेन हाईलाइट आपका टूल है। अगर आप बहुत बड़ा आर्टिकल लिख दोगे और आपका टूल हाइड हो जाएगा तो फिर आपका जो बाउंस रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी साइट रैंक नहीं करेगी। यूजर्स को आपका टूल दिखना चाहिए, जिस चीज के लिए यूजर्स आ रहे हैं आपकी साइट के ऊपर वो उन्हें नहीं दिखेगी तो फिर वो अल्टीमेटली बाउंस बैक कर जाएंगे और आपकी साइट के ओवरऑल स्टैट्स खराब हो जाएंगे और फिर वो रैंक नहीं करेगी। तो इसलिए हम कम टेक्स्ट प्रेफर करते हैं यहां पर, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टूल वेबसाइट को रैंक करवाने में, तो आपको डेफिनेटली इन टूल टेक्स्ट जरूर डालना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एसईओ स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं, दैट इज आंसरिंग बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टूल। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाना है किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर। आप गूगल कीवर्ड प्लान को भी यूज कर सकते हो, आप सैमरश को भी यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। वहां पर जाने के बाद आपको अपने निश के रिलेटेड, अपने टॉपिक के रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करना है। उसमें अगर आपको कुछ ऐसी क्वेरीज मिलती हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स मिलते हैं जहां पर आपको लगता है कि इसका वॉल्यूम अच्छा खासा है और आपके निश के अंदर भी ये सही ढंग से फिट हो जाता है, तो वहां पर आप उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस और क्वेरीज के लिए अलग से पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए अगर हम पीएनजी टू जेपीजी कन्वर्टर टूल वेबसाइट की बात करें तो वहां पर एक सिग्निफिकेंट ट्रैफिक इस कीवर्ड के ऊपर है कि हाउ टू कन्वर्ट पीएनजी टू जेपीजी। अगर आप अपने साइट के ऊपर इस तरीके का एक आर्टिकल डालते हो तो आपके पास एक चांस रहता है इस ट्रैफिक को ऑक्यूपाई करने का। और वही सेम स्ट्रेटजी यार मैंने भी अपने टूल वेबसाइट के ऊपर करी थी, जहां पर मैंने एक इंस्टाग्राम डाउनलोडेड टूल बनाया था। वहां पर मैंने बेसिक क्वेरीज थी कि हाउ टू डाउनलोड इंस्टाग्राम डीपी, हाउ टू डाउनलोड
इंस्टाग्राम वीडियोस, इन तरीके की क्वेरीज को मैंने रिजॉल्व किया था पोस्ट के थ्रू, और वो पोस्ट अल्टीमेटली रैंक भी करी और वहां से मेरे टूल वेबसाइट के ऊपर और ज्यादा ट्रैफिक आने लगा। आपको भी सेम सा ही प्रोसीजर फॉलो करना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर इसके बारे में भी कुछ बात करी थी लेकिन लोगों को वो अच्छे से समझ नहीं आया। आई होप मैंने इस बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हो। अब यहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है दैट इज अ टूल वेबसाइट, वो आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट नहीं है, तो आपको कोई भी अनशंट आर्टिकल्स नहीं डालने। जो भी कुछ लिमिटेड आर्टिकल्स हो 5-10 उससे ज्यादा मत ही डालो तो अच्छा है। तो उन्हीं आर्टिकल्स को आप डालो, आप बाइफरगेट कर लो कि कौन कौन से आपको आर्टिकल्स चाहिए और कौन कौन से आपको नहीं चाहिए, जो इंपॉर्टेंट हो, जिन पे ज्यादा वॉल्यूम हो, उन्हीं को आप यहां पर डालो, बाकियों को आप अवॉइड ही कर सकते हो। अब इसके बाद जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं फॉलो करता हूं किसी भी टूल वेबसाइट की एसईओ के लिए, दैट इज टारगेट हाई वॉल्यूम सिमिलर कीवर्ड्स। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको किसी भी कीवर्ड रिसर्च टूल के ऊपर जो भी आपने कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है उन कीवर्ड्स में से आपको अलग से कीवर्ड्स को छांट कर रख लेना है, जिन कीवर्ड्स पर आपको लगता है कि आपका जो मेन टूल है आपने वो टारगेट नहीं करा है। एग्जांपल के लिए, जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड टूल वेबसाइट बनाई थी तो वहां पर मैंने एक टूल के अंदर सारे के सारे जितने भी ऑप्शंस रहते हैं एक इंस्टाग्राम डाउनलोडर टूल के अंदर, चाहे आप हमारी बात कर लो हम पोस्ट डाउनलोड की, इमेज, वीडियो, रील, स्टोरी, उसी के साथ साथ डीपी डाउनलोड और उसी के साथ साथ आईजीटीवी वीडियो डाउनलोड, ये सारे के सारे ऑप्शन मैंने अपने टूल के अंदर प्रोवाइड करे थे, लेकिन लोग इन सभी कीवर्ड्स को अलग अलग से सर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लोग ये भी सर्च करते हैं डाउनलोड इंस्टाग्राम वीडियो या इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर, इंस्टाग्राम डीपी डाउनलोडर, इंस्टाग्राम फोटो डाउनलोडर, इंस्टाग्राम इमेज डाउनलोडर, IGTV डाउनलोडर फॉर फ्री, Instagram रील डाउनलोडर। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स मेरे को टैकल करने थे। अब यहां पर टूल तो मैंने एक ही बनाया, अब उसके लिए मैं अलग अलग से टूल तो बनाऊंगा नहीं, तो मैंने क्या करा, मैंने अपनी साइट के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस क्रिएट कर दिए उसी सेम टूल के। तो एक पेज में मैंने जो उस टूल में जो टाइटल वगैरह दिया वो मैंने IGTV वीडियोस के डाउनलोड के लिए दे दिया, दूसरे पेज में मैंने दे दिया इमेज डाउनलोड के लिए, तीसरे मैंने वीडियो डाउनलोड, स्टोरी डाउनलोड, प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड। तो इस वे में मैंने सेम टूल को डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करते हुए बनाया, और यह स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करके ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक एक्वायर करना चाहते हो। और इसी सेम स्ट्रेटजी को यूज करके यार मैंने अपनी साइट के ऊपर डेली का 10,000 का जो ट्रैफिक है वो अचीव करा है। तो यार यही था आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कर देना, अपना कोई भी थॉट हो, क्वेरी हो, दिक्कत आ रही है जिंदगी में भाई से बात करने में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो और आप भी टूल्स वेबसाइट बना के, ब्लॉग्स बना के, माइक्रोनिश ब्लॉग बना के, एफिलिएट ब्लॉग्स बना के अर्निंग करना चाहते हो, तो इस चैनल के ऊपर मैं टाइम टू टाइम ब्लॉगिंग रिलेटेड वीडियोस लेके आता रहता हूं, तो उनके लिए चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही और बेल नोटिफिकेशन भी दबाना ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियोस आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।